बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नायला भट्टी, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। टोबा टैक्सिंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफजल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ टोबा इबादत निसार के हुक्म पर टोबा पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकाम की रोशनी और डीपीओ टोबा इबादत निसार के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टैक्सिंग का जिला भर में मुनशियात फरोख करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसडीपीओ कमालिया सुंदर सहा के सरबराही में एसएचओ थाना सदर कमालिया, इंस्पेक्टर खालिद जमीर मामा मुलाजिमान पुलिस ने 737 में कामयाब कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश मुलजिम आबिद बल रियाज कोम कमहार सकना 731 को मुनशियात का मकरूह धंधा करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1150 ग्राम चरस बरामद हुई। इसी तरह एसएचओ थाना भासी इंस्पेक्टर अरशद मामा मुलाजिमान पुलिस ने 4 शराब फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनमें मुलजिम इमरान बल अब्दुल गनी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 56 लीटर शराब बरामद हुई। दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने अली हैदर बल मुमताज को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 50 लीटर शराब बरामद हुई। तीसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने हक नवाज वल्द अब्दुल रजा को काबू किया, जिसके कब्जे से 50 लीटर शराब बरामद हुई। चौथी कार्रवाई में पुलिस टीम ने मुलजिम सरफराज वल्द दीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 50 लीटर शराब बरामद हुई। ऐसे ही एसडीपीओ गोजरा आफताब अहमद की सरबराही में एसएचओ थाना सिटी गोजरा हाकिम अली एसआई ममा मुलाजिमान पुलिस ने शराब फरोश मुलजिम साहिल मसीह वल्द बशीर मसीह को काबू किया, जिसके कब्जे से 60 लीटर शराब बरामद हुई। इसी तरह एसएचओ थाना नवा लाहौर जीवन खान एसआई ममा मुलाजिमान पुलिस ने इलाका थाना नवा लाहौर चेक नंबर 280 में कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल रहमान वल्द रमजान को काबू किया, जिसके कब्जे से 25 लीटर शराब बरामद हुई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टैक्सिंग इबादत निसार ने जिला भर के एसडीपीओ एसएचओ और इंचार्ज सीआईए को हिदायत जारी की है कि मुनशियात फरोख करने वाले मुलजिमान के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज वर्ल्ड, मुस्तनद खबरों की दुनिया।